हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरे। आज के एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं दा का उपयोग। हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था ए और एन के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आज का हमारा विषय है दा। हम ए एन की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ दा की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक दा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में आर्टिकल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है ए और एन। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डेफिनेट का अर्थ होता है निश्चित, जी हाँ, तो डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द निश्चित नाउन के पहले आता है। यानी जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, जिस स्थान की हम बात कर रहे हैं, अगर वह निश्चित है तो उसके पहले हम दा लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये मालूम करना है कि नाउन कहाँ कहाँ पर निश्चित होता है, तो इसके लिए आज हम पांच सिचुएशंस देखेंगे जहाँ पर आम जीवन में दा निश्चित होता है, जी हाँ। और हम आम जीवन की सिचुएशंस को लेंगे। अभी हम ताजमहल, गंगा आदि की चर्चा नहीं करेंगे, है ना। ये बहुत ही कॉमन रूल्स हैं, वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि कौन कौन से वो प्रॉपर नाउन्स हैं जिनमें आर्टिकल आता है और कौन कौन से प्रॉपर नाउन्स हैं जिनमें आर्टिकल नहीं आता है। आज हम चर्चा करेंगे कि निश्चित होने के कारण दा कब कब लगाना है। तो ऐसी पाँच कंडीशंस होती हैं। सबसे पहला नियम इसमें यह है दोस्तों कि जब बोलने वाला व्यक्ति पहली बार किसी नाउन की बात करता है, जी हाँ, अगर वो पहली बार किसी नाउन की बात करता है तो वह नाउन सुनने वाले के लिए अनिश्चित होती है, इनडेफिनेट होती है। क्यों? क्योंकि पहली बार चर्चा की, हमें नहीं पता किस नाउन की बात कर रहा है, इसीलिए पहली बार चर्चा करने पर नाउन अनिश्चित होती है और इसीलिए उसमें ए या एन लगेगा, क्योंकि ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है। लेकिन अगर चर्चा के दौरान बातों ही बातों में दोबारा उसी नाउन की बात हो तो नाउन निश्चित होगा और उसमें दा लगेगा। इस नियम को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एक आम जीवन का एग्जाम्पल लेंगे, है ना। बगैर एग्जाम्पल के हमें समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल एक रसगुल्ले की तरह होता है, जब तक आपने उसको खाया नहीं समझ में नहीं आएगा, प्रत्यक्ष अनुभव होना जरूरी है। इसीलिए चलिए एक लाइफ की सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए आप सभी अभी अपने स्कूल में हैं या अपने कॉलेज में हैं और लंच का टाइम चल रहा है, और जब लंच का टाइम चलता है तो सभी लोग अपने अपने ग्रुप्स में बैठे आते हैं, है ना, खाना खाने के लिए। और खाना खाते खाते गप्पे भी होती हैं, बातें भी होती हैं, है ना, और एक दूसरे का भोजन भी शेयर करते हैं बातों बातों में। तो मान लीजिए ऐसा कोई सीन है जहां पर आप एक ग्रुप में बैठे हैं और तभी ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति ने किसी बात को छेड़ा, किसी बात को शुरू किया और उसने कहा, तो उस ग्रुप में किसी व्यक्ति ने कहा, देयर इज अ टेम्पल इन माई कॉलोनी, मेरी कॉलोनी में एक मंदिर है। यानी कि बोलने वाले व्यक्ति ने पहली बार मंदिर की चर्चा की, तो हम नहीं जानते कौन सा मंदिर है, कैसा मंदिर है, उसने तो पहली बार बताया, इसीलिए ये मंदिर अनिश्चित है, इनडेफिनेट है, और उसने क्या आर्टिकल लगाया, ए। अब अगर बातों ही बातों में आगे वो फिर से मंदिर की बात करेगा तो दा लगेगा, कैसे देखते हैं। उसी में आगे उसने कहा कि द टेम्पल इज वेरी बिग, ये देखिए आप दा लग गया, द टेम्पल इज वेरी बिग, मंदिर बहुत बड़ा है। बहुत ही सरल एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, आम जीवन के एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहले उसने कहा कि मेरी कॉलोनी में एक मंदिर है, फिर कहा मंदिर बहुत बड़ा है, तो सुनने वाले व्यक्ति समझ जाएंगे कि कौन सा मंदिर बहुत बड़ा है।
तो कौन सा मंदिर बहुत बड़ा है? वही जो मेरी कॉलोनी में है, वही जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर हमें किसी की भी बात करनी है तो पहले उसको इंट्रोड्यूस करना होगा, उसका परिचय देना होगा, है ना। तो इसलिए उसने पहले मंदिर का परिचय दिया, उसने कहा कि मेरी कॉलोनी में एक मंदिर है, फिर कहा मंदिर बहुत बड़ा है, है ना। अच्छा, अगर मान लो बोलने वाला व्यक्ति पहला सेंटेंस ना बोले और वो सीधे दूसरा सेंटेंस बोल दे आपसे कि मंदिर बहुत बड़ा है, तो तुरंत आपके मन में प्रश्न आ जाएगा, कौन सा मंदिर, कहाँ का मंदिर, मंदिर तो अनिश्चित ही हो रहा है। इसलिए पहले चर्चा करना जरूरी है, पहले जिसकी आप बात कर रहे हैं उसकी बात करना जरूरी है, फिर उसको आप निश्चित करेंगे, है ना। मान लीजिए आगे उसने तीसरा सेंटेंस कहा, देयर इज एन आइडल ऑफ माँ दुर्गा इन द टेम्पल। ये देखिए मंदिर में फिर से दा लग गया, है ना। जितनी बार मंदिर आएगा वो निश्चित है, क्योंकि एक बार परिचय हमने दे दिया है। तो देयर इज एन आइडल ऑफ माँ दुर्गा इन द टेम्पल, मंदिर में माँ दुर्गा की एक मूर्ति है। तो कौन से मंदिर में है? वही जो बहुत बड़ा है, वही जो मेरी कॉलोनी में है। तो मंदिर यहाँ निश्चित हो गया, इसलिए इसमें दा लग गया। लेकिन आप देखेंगे कि आइडल की चर्चा पहली बार हो रही है, आइडल का अर्थ होता है मूर्ति, मूर्ति की चर्चा पहली बार हो रही है और इसलिए अनिश्चित है, और अनिश्चित है तो क्या लगा इसमें? एन। अगर हम मूर्ति की चर्चा दोबारा करें तो फिर निश्चित हो जाएगा। जैसे उसने कहा कि द आइडल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल, द आइडल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल, मूर्ति सफेद संगमरमर से बनी है, है ना। जब कोई वस्तु किसी चीज से बनी हो तो हम मेड ऑफ या मेड अप ऑफ दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर राइट। तो द आइडल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल, मूर्ति सफेद संगमरमर से बनी है। तो सुनने वाले समझ जाएंगे कौन सी मूर्ति, वही जो मंदिर में है। कौन से मंदिर में है? वही जो बहुत बड़ा है और जो मेरी कॉलोनी में है। तो इसी नियम को हम कहते हैं कि पहली बार चर्चा हुई तो अनिश्चित, और दूसरी बार चर्चा हुई, तीसरी बार चर्चा हुई तो निश्चित। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप इसको और भी अच्छे से समझ सकें। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कहा, यस्टरडे I saw a man, कल मैंने एक आदमी देखा। अब हमें क्या पता कौन सा आदमी देखा भाई, हम तो नहीं पहचानते, तो इसलिए हमारे लिए अनिश्चित है। उसने ए का उपयोग किया, बिल्कुल सही किया। फिर आगे उसने कहा, the man was blind, वो आदमी अंधा था। तो सुनने वाले समझ जाएंगे कौन सा आदमी अंधा था, वही जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वही जिसको मैंने देखा। तो इसीलिए यस्टरडे आई सॉ अ मैन, द मैन वॉज ब्लाइंड, ठीक है। और परीक्षाओं में, चाहे वो स्कूल के एग्जाम्स हों, आपके कॉलेज के एग्जाम्स हों, चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हों, अगर उसमें आर्टिकल देते हैं, खालिस्तान देते हैं, तो ये जो पहला नियम है इसमें वो दो खालिस्तान देते हैं, अक्सर दो खालिस्तान देंगे आपको, डबल फिलर्स देंगे, यानी एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये इसी नियम से संबंधित है, है? एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि यस्टरडे आई ब्रॉट अ बुक फ्रॉम द मार्केट, कल मैं बाजार से एक बुक लाया। द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, किताब बहुत रोचक थी। तो पहले हमने बुक की चर्चा किए, फिर बुक के बारे में हमने कुछ बताया। तो इसी नियम को हम कहेंगे कि जब पहली बार चर्चा होती है तो अनिश्चित, और दोबारा चर्चा होगी तो निश्चित। लेकिन इस बड़े नियम को आपको छोटी सी लाइन में याद रखना है। जी हाँ, मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, आप पूरे वीडियो को देखते रहिएगा, ये पांचों नियम आपके ब्रेन में आ जाएंगे, आपके मेमोरी का परमानेंट हिस्सा बन जाएंगे। तो ये जो बड़ा नियम है इसको छोटी सी लाइन में याद रखना है, और वो छोटी सी लाइन है, चर्चा होते होते निश्चित,
जी हाँ, चर्चा होते होते निश्चित का मतलब है पहली बार चर्चा कर रहे हैं तो अनिश्चित, और दूसरी बार चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित। तो इस छोटे से नियम को याद रखेंगे, चर्चा होते होते निश्चित। चलिए अब हम दूसरा नियम देखने वाले हैं दोस्तों। दूसरा नियम पहले नियम से बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है देखते हैं। पहला नियम कहता है कि पहली बार में आपको चर्चा करना होगा तो अनिश्चित होगी, फिर दोबारा में वो निश्चित होगा। लेकिन दूसरा नियम कहता है कि कभी कभी कम्युनिकेशन में ऐसा भी होता है कि बोलने वाला व्यक्ति पहली बार किसी नाउन की बात करेगा और वो नाउन पहली बार में ही निश्चित हो जाएगा। जी हाँ, अब ऐसा कब होता जरा गौर करते हैं। देखिए, जब आप घर में किसी से पूछते हैं कि रिमोट कहाँ है, वेयर इज़ द रिमोट, तो सुनने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि आप किस रिमोट की बात कर रहे हैं। टीवी के रिमोट की बात कर रहे हैं, या एसी के रिमोट की बात कर रहे हैं, या फिर कूलर के रिमोट की बात कर रहे हैं। सुनने वाला समझ जाता है। आप उसको बिल्कुल डिटेल में नहीं समझाते, आप केवल पूछते हैं वेयर इज़ द रिमोट, रिमोट कहाँ है, और सामने वाला समझ गया। हमें कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं वहाँ पर, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। क्यों अंडरस्टूड है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन ज़रा सोचिए कि क्या हम घर में किसी को पूरा डिटेल में समझाएंगे? क्या हम मम्मी से ऐसा बोलेंगे कि मम्मी हमारे घर में एक टीवी है ना, वो जो हम धनतेरस में लाए थे, और वो जो टीवी है उसके साथ हमें एक रिमोट मिला था, और वो रिमोट कहाँ है? इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हम सिर्फ बोलते हैं रिमोट कहाँ है, चर्चा की और निश्चित हो गया। इसी तरह जब हम किसी डॉक्टर के क्लिनिक जाते हैं, वहाँ हम किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं वेयर इज़ द डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ है, और सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा किस डॉक्टर की बात हो रही है। अंडरस्टूड है भाई, क्लिनिक है तो डॉक्टर होगा ही। इसी तरह हम किसी से कह सकते हैं क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, वेयर इज द की। एक भाई दूसरे भाई से पूछ सकता है चाबी कहाँ है, वेयर इज द की। तो ये सब निश्चित हैं। अब जरा ये समझें कि ये निश्चित क्यों हैं। तो दोस्तों, ये जो नियम है दूसरा कि पहली बार में ही निश्चित हो जाएगा, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस बोला कहाँ जा रहा है। जी हाँ, सेंटेंस बोलने का स्थान क्या है। जैसे दरवाज़ा बंद कर दो आप तभी कहोगे जब वहाँ कोई दरवाज़ा हो, फैन चालू कर दो आप तभी बोलोगे जब वहाँ कोई फैन है। आप डॉक्टर कहाँ हैं ये क्लिनिक में ही पूछोगे या हॉस्पिटल में ही पूछोगे, और कहीं नहीं पूछ सकते। तो इसीलिए इसको निश्चित करने के लिए ये परिस्थिति है, वो स्थान है जहाँ पर खड़े होकर हम वो सेंटेंस कह रहे हैं। तो दूसरा नियम हो गया कि पहली बार में ही निश्चित हो जाता है, और इसको आप छोटी सी लाइन में याद रखेंगे, चर्चा होते होते निश्चित। पहला नियम क्या था? पहला नियम था चर्चा होते होते निश्चित, और दूसरा नियम है चर्चा होते ही साथ निश्चित। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वेयर इज़ द डॉक्टर, वेयर इज़ द रिमोट, वेयर इज़ द की, क्लोज द विंडो, ओपन द डोर। तो ये सब डायलॉग्स हैं जो आम जीवन में यूज़ होते हैं। चलिए अब हम तीसरा नियम देखने वाले हैं। तीसरा नियम कहता है कि कभी कभी दो संज्ञाएं आती हैं और दोनों संज्ञाएं एक दूसरे के लिए निश्चित होती हैं। जैसे कि टीम का कैप्टन, तो टीम कैप्टन के लिए और कैप्टन टीम के लिए निश्चित है। स्कूल का प्रिंसिपल निश्चित है, दोनों एक दूसरे के निश्चित हैं। हर स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है और वो जो प्रिंसिपल है उसका स्कूल भी निश्चित है। इसी तरह गाड़ी की चाबी, इसी तरह कमरे का दरवाज़ा, जग का पानी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो ये सब एक दूसरे के लिए निश्चित हैं, जब दो नाउन हो और दोनों एक दूसरे के लिए निश्चित हों। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसमें दो संज्ञाओं का रिलेशन बताने के लिए हमें ऑफ का यूज़ करना होता है। जी हाँ, दो नाउन्स के बीच में ऑफ आता है, ओ एफ, और इसकी संभावित हिंदी होती है का, की और के। उदाहरण के लिए देखते हैं, मान लीजिए हमने कहा टीम का
कैप्टन, हमें कहना है टीम का कैप्टन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने का के बदले ऑफ ले लिया, बीचों बीच हमने ले लिया ऑफ। अब इंग्लिश में उल्टा होता है, जो बाद में है वो पहले आएगा, जो पहले है वो बाद में जाएगा। तो कैप्टन को हमने आगे ले लिया यहाँ पर कैप्टन, और टीम को हम यहाँ ले लेंगे, ठीक है, ये आ गया टीम। अब हिंदी में तो आर्टिकल होता नहीं है, लेकिन इंग्लिश में दोनों संज्ञाएं एक दूसरे के लिए निश्चित हो रही हैं, इसलिए दोनों में द लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा द कैप्टन ऑफ द टीम। इसी तरह अगर हमको कहना है कमरे का पंखा, तो आखिरी में क्या आ रहा है, पंखा, तो पहले आ जाएगा फैन, तो फ्रेज बन जाएगा द फैन ऑफ द रूम, द फैन ऑफ द रूम। इसी तरह आप देखेंगे द कवर ऑफ द बुक, इसी तरह द कैंटीन ऑफ माई कॉलेज, द कैंटीन ऑफ माई कॉलेज, लेकिन माय कॉलेज में दा नहीं लगेगा क्योंकि इसमें पहले से माय लगा हुआ है ना। मैं अगले अपने वीडियो में ये चर्चा करूँगा कि आपको आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं लगाना है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार हम अननेसेसरीली आर्टिकल्स बोल देते हैं जो कि फिर कान में चुभते हैं, सुनने वाले के कान में चुभते हैं, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। इसी तरह हमको कहना है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, तो पहले हमने कहा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो इंडिया के पहले भी आपको दा नहीं लगाना है क्योंकि ये देश का नाम है, और हम अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पर आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, उसको हम डिटेल में समझेंगे, है ना। कम समय में हम सारी चीज़ें नहीं देख सकते हैं। तो तीन रूल्स हो गए हमारे, पहला रूल क्या है, चर्चा होते होते निश्चित, दूसरा चर्चा होते ही साथ निश्चित, और तीसरा हो जाएगा एक दूजे के लिए निश्चित। जी हाँ, एक दूजे के लिए निश्चित, बिल्कुल गाने जैसा बन रहा है, राइमिंग स्कीम मिल रही है, चर्चा होते होते निश्चित, चर्चा होते ही साथ निश्चित, एक दूजे के लिए निश्चित, बिल्कुल गाने जैसा बन रहा है, ऐसा लग रहा है हम एक मूवी बना रहे हैं और उसका ये गाना तैयार हो रहा है। जी हाँ, चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है अगर किसी नाउन के साथ, किसी नाउन के पहले सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आ जाए, अगर किसी नाउन के पहले सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आ जाए तो उसमें दा लगेगा। क्यों लगेगा वो अभी समझते हैं। सबसे पहले ये देखें सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि एडजेक्टिव की तीन डिग्रीज होती हैं, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट सभी ने सुना है। गुड का अर्थ क्या होता है, अच्छा, बेटर ज़्यादा अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा। तो ये जो तीसरी डिग्री है बेस्ट, इसी को हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि बेस्ट यानि होता है सबसे अच्छा, तो अगर कोई किसी फील्ड में सबसे अच्छा है तो वो एक ही होगा, और अगर वो एक ही है तो निश्चित है और इसलिए दा लग रहा है। इसी तरह होता है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये जो तीसरी डिग्री है इसी को हम कहते हैं सुपरलेटिव, जिसमें ईएसटी हो, जिसमें मोस्ट हो, इसी को हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। लेकिन खबरदार, गो, वेंट, गॉन को डिग्री मत समझना, वो क्रियाओं की लिस्ट है और हम एडजेक्टिव की लिस्ट की बात कर रहे हैं। वर्ब अलग है, एडजेक्टिव अलग है। वो जो गो, वेंट, गॉन है वो समय के अंतर को बताता है, और गुड, बेटर, बेस्ट क्वालिटी के अंतर को बताता है। ये दोनों में अंतर है, ख्याल रखिएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमने कहा सचिन इज द बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया। देखिए क्रिकेटर क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले क्या आ रहा है, बेस्ट, और इसलिए हमने लगा लिया द, है ना। अच्छे प्लेयर बहुत हैं, बेस्ट एक ही है,
इसी तरह मान लीजिए हमने कहा कि राजू इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो बॉय नाउन है, नाउन के पहले आ गया टॉलेस्ट और फिर हमने लगा दिया दा, तो राजू क्लास में सबसे लंबा लड़का है, लंबे लड़के बहुत हैं, सबसे लंबा एक ही है, तो इसलिए निश्चित हो गया, है ना। लेकिन क्लास में भी दा है आप देखेंगे, तो क्लास में दा लग रहा, इसमें कौन सा नियम काम कर रहा है? इसमें नियम है चर्चा होते ही साथ निश्चित, जो अभी हमने सीखा था, क्योंकि सुनने वाले समझ जाएंगे कि राजू कौन सी क्लास में सबसे लंबा है, जिस क्लास में राजू है उसी की क्लास जिसमें वो पढ़ता है, तो इसको हम कह रहे हैं चर्चा होते ही साथ निश्चित। तो अब हमारे सामने चार नियम हो गए हैं। पहला नियम है चर्चा होते होते निश्चित, ठीक है ना, आप भी बोलिएगा। दूसरा है चर्चा होते ही साथ निश्चित। तीसरा है एक दूजे के लिए निश्चित। अब रूल नंबर 4 भी हमें याद रखना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक मूवी बना रहे हैं जिसके ये गाने तैयार हो रहे हैं, और हर मूवी में एक विलेन होता है। हाँ, हर मूवी में एक विलेन होता है। जैसे आपने वेलकम देखा होगा, एक वेलकम मूवी आया था अक्षय कुमार का, और उसका जो मुख्य विलेन था कौन था? RDX। जी हाँ, RDX। हमारी मूवी का विलेन है SDA। हमारी मूवी का विलेन होगा SDA। तो रूल है SDA करेगा निश्चित, याद रखने की ट्रिक है, SDA करेगा निश्चित। ऐसा इमेजिन करो कि ये विलेन है, हमारी मूवी का विलेन है जो हम बना रहे हैं। मूवी कौन सी? दा, मूवी का नाम है दा, ठीक है ना। तो इसी का ये विलेन है, SDA करेगा निश्चित। तो कितने रूल हो गए? 4। एक बार फिर से बोलते हैं, पहला है चर्चा होते होते निश्चित, दूसरा है चर्चा होते ही साथ निश्चित, जैसे वेयर इज द रिमोट, और तीसरा है एक दूजे के लिए निश्चित, जैसे द कैप्टन ऑफ द टीम, और रूल नंबर 4 है SDA करेगा निश्चित, जिसमें सुपरलेटिव डिग्री आ जाए। चलिए पांचवा नियम देखते हैं। पांचवा नियम क्या है? रूल नंबर 5 है कि अगर किसी नाउन के साथ रिलेटिव फ्रेज या फिर रिलेटिव क्लॉज आ जाए तो नाउन निश्चित माना जाता है और उसमें दा लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, ना। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, वाक्य का टुकड़ा। तो किसी भी शब्दों के ग्रुप को हम फ्रेज कहते हैं। जैसे यदि मैं कहूँ बिहाइंड माय हाउस, तो ये एक फ्रेज है। इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, ये भी एक फ्रेज है। अगर मैं कहूँ माय कार, तो ये भी एक फ्रेज है। अगर मैं कहूँ माय हाउस, ये भी एक फ्रेज है। तो फ्रेज मतलब कोई भी एक शब्दों का ग्रुप जिसका कंप्लीट मीनिंग ना हो, और इसे हम सेंटेंस के किसी भी हिस्से में रख सकते हैं, है ना। और फ्रेजेस कई तरह के होते हैं। कोई टाइम बताता है, कोई प्लेस बताता है, कोई पर्सन की बात करता है, बहुत सारे होते हैं। लेकिन हमें जिस फ्रेज से काम है उसका नाम है रिलेटिव फ्रेज। तो ये रिलेटिव फ्रेज क्या होता है? रिलेटिव फ्रेज कोई भी शब्दों का ऐसा ग्रुप जो हमें किसी नाउन की पहचान बताए। जी हाँ, क्योंकि हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, वो क्या हैं? वो हमारे लिए हमारी पहचान है, हम उनके लिए पहचान है, वो हमारे लिए पहचान है। सब एक दूसरे के जरिए पहचाने जाते हैं कि आप कौन हैं, मैं उन व्यक्ति का वो लगा, मैं इस व्यक्ति का ये हूँ। तो सब एक दूसरे में पहचान का काम करते हैं। तो ये फ्रेज क्या करता? नाउन की पहचान बताता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने कहा द बॉय इन अ वाइट शर्ट इज माई ब्रदर। तो हमने यहां पर देखिए इन अ वाइट शर्ट लिया, ये एक फ्रेज है, और ये हमें उस लड़के की पहचान बता रहा। कहीं पर मान लो बहुत सारे बॉयज हैं, है ना, उनमें से एक की बात करना, तो आप क्या कह सकते हो? द बॉय इन अ वाइट शर्ट इज माई ब्रदर। वो सफेद शर्ट वाला लड़का मेरा भाई है, है? इसी तरह आप कह सकते हो द बुक्स
वो किताबें, लेकिन कौन सी किताबें बताना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा। तो हमने आगे कह दिया ऑन द टेबल, टेबल पर जो रखी हुई हैं, तो लोग टेबल को देखेंगे। फिर हम यहाँ वर्ब लगाएंगे आर वेरी यूजफुल, बहुत उपयोगी हैं, है ना। और देखिए यहाँ पर आर का उपयोग हो रहा, क्यों, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है वो बुक्स है ना कि टेबल। तो द बुक्स ऑन द टेबल आर वेरी यूजफुल। तो इसमें ऑन द टेबल क्या है, ये भी फ्रेज है, ये हमें नाउन के बारे में बता रहा है। इसी तरह हम कह सकते हैं द पर्सन नियर द गेट इज माई फादर, द लेडी इन अ येलो साड़ी इज माई मदर। तो बहुत सारे आप फ्रेजेस इसमें लगा सकते हैं, मतलब आप कुछ भी ऐसा देखो जो उस पर्सन को निश्चित कर दे, जो उस वस्तु को निश्चित कर दे, कोई भी एक शब्दों का ग्रुप आप लगा सकते हैं, इसी को हम फ्रेज कहते हैं, रिलेटिव फ्रेज कहते हैं। और क्लॉज क्या होता है, क्लॉज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। ये वाक्य की तरह होता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब आ जाता है, तो ये पूरा एक सेंटेंस जैसा हो जाता है, लेकिन ये अपने मीनिंग के लिए किसी और पर डिपेंड रहता है, इसलिए इसको सेंटेंस नहीं कहते, क्लॉज कहते हैं। और रिलेटिव क्लॉज मतलब कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जो किसी नाउन की पहचान बताए, नाउन की विशेषता बताए, सुनने वाले का ध्यान उस नाउन की ओर ले जाए, तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए हमने कहा कि द बॉय Who is wearing a white shirt is my brother। तो आप देखेंगे इसमें जो क्लॉज है वो है Who is wearing a white shirt? वो लड़का जिसने सफेद शर्ट पहनी है मेरा भाई है। तो हमने इसमें सब्जेक्ट भी लगा दिया, वर्ब भी लगा दिए, तो ये पूरा एक सेंटेंस हो गया, है ना। इसमें दो दो सेंटेंसेस छुपे हुए हैं, है ना। अच्छा एक और बात, द बुक्स विच आर कैप्ट ऑन द टेबल आर वेरी यूजफुल। वो किताबें जो टेबल पर रखी हैं बहुत ही उपयोगी हैं। तो हमने यहाँ बुक्स को निश्चित किया, है ना। और आप एक बात और गौर करेंगे कि अगर इंसान है तो हु का उपयोग करें, निर्जीव है, नॉन लिविंग नाउन है, एनिमल है, विच का उपयोग करेंगे, दोनों की हिंदी है जो, जिसने, जो की, लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे जब हमारा ये टॉपिक होगा। ये रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, हमारा टॉपिक तो द है, लेकिन मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है कि इंसान है तो हु लगेगा और नॉन लिविंग है, एनिमल है, तो आप विच का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ये वो पांच नियम है जिनकी मदद से द लगता है, आप पहचान सकते हैं नाउन कहाँ कहाँ निश्चित हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, पहला क्या है, चर्चा होते होते निश्चित, दूसरा है चर्चा होते ही साथ निश्चित, तीसरा है एक दूजे के लिए निश्चित, और चौथा है एसडीए करेगा निश्चित, पांचवा क्या हो जाएगा आरपी या आरसी करेगा निश्चित। शॉर्ट में याद रखें, यह है आरपी और यह है आरसी, आरपी या आरसी करेगा निश्चित। और ये आरपी और आरसी आप कैसे इमेजिन कर सकते हो, जैसे वेलकम मूवी में आरडीएक्स के दो चमचे थे, मजनू भाई और उदय शेट्टी, इसी तरह हमारी जो मूवी चल रही है उसमें एसडीए के दो चमचे हैं आरपी और आरसी। तो ये वो पांच नियम है जिनसे आप पहचान सकते हो आर्टिकल कहाँ कहाँ पर लगेगा। और आज के लिए इतना काफ़ी है, हम अगले एपिसोड में फिर से कुछ नया टॉपिक लेंगे। आप कमेंट्स में बताइए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उस पर वीडियो लेकर आऊँ, और आप इसे अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।